रियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि दर्शक इस इंतजार में बैठे हैं कि आखिरकार वेदिका कब कार्तिक और नायरा की जिंदगी से दूर होगी। तो बता दूं कि दर्शकों का ये इंतजार अब खत्म हो चुका है। आखिरकार वेदिका नायरा और कार्तिक की जिंदगी से अब दूर हो जाएगी। कुछ दिन पहले ही वेदिका ने गोयनका परिवार के सामने ही कार्तिक के हाथ में नायरा का हाथ थमाया था और कहा था कि उन दोनों के बीच मैं तो क्या कोई भी नहीं आ सकता। लेकिन पल्लवी के द्वारा भड़काए जाने के बाद वेदिका ने फैसला लिया कि वह कार्तिक से अपनी पत्नी होने का दर्जा हासिल करेगी। ऐसे में बीते दिनों ही वेदिका ने नायरा की जान बचाने के लिए अपनी किडनी देने का नाटक किया। वेदिका और पल्लवी ने मिलकर नायरा को कार्तिक से दूर करने के लिए कई दावपेच भी खेले, जिसकी भनक अब नायरा को लग चुकी है। देखना यह है कि नायरा किस प्रकार वेदिका को अब एक्सपोज करेगी। वेदिका को एक्सपोज करने के लिए दादी भी नायरा का साथ देगी। ऐसे भी सुनने में आ रहा है कि वेदिका को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वह सभी के सामने खुद को ही एक्सपोज कर डालेगी। अब ऐसे में देखना होगा कि वेदिका की सच्चाई सामने आने के बाद गोयनका और सिंघानिया परिवार किस तरह रिएक्ट करने वाले हैं। नायरा और कार्तिक की शादी का इंतजार कर रहे फैंस के लिए खुशखबरी है कि जल्द ही कायरा शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। काफी लंबे समय से ये भी सुनने में आ रहा था कि इस सीरियल में जल्द ही लव कुश की भी एंट्री होगी। हो सकता है कि वेदिका के चैप्टर के खत्म होने के बाद जल्द ही ये रिश्ता क्या कहलाता है में लव कुश की एंट्री हो जाएगी। फिलहाल तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सीरियल के अपकमिंग एपिसोड को देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं। नेक्स्ट 9 लाइफ से गीतांजलि की रिपोर्ट।